बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंडे वाले बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है एंड खाने में टेस्टी बनती है। समटाइम ऐसा होता है कि हमें मॉर्निंग में ऑमलेट खाने का मन नहीं करता, तो फिर इस वक्त ये बर्गर बना के अगर हम खाते हैं अंडे वाला, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है एंड चेंज हो जाता है ज़रा जायका भी। तो इन्ग्रीडियंट मैं आपको बता देती हूँ। दो अदद मैंने बन लिए हैं, टू एग लिए हैं मैंने, स्मॉल साइज़ की अनियन ली है, क्वार्टर टी स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, ऑयल लिया है फ्राई के लिए, स्पाइसेस में जाएगा चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, चीज़ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिए, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून मायोनीज है, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप है। ये देखिए बन को मैं 2 पीस में कट कर रही हूँ, सो दैट कि इसको हल्का सा ऑयल में फ्राई किया जाएगा। इस तरह से इसको 2 पीस में कट कर लेंगे। पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, हल्का सा लिया है 1 टीस्पून के करीब, एंड इसमें मैं अब बन को हल्का सा सेक लगाऊंगी। बिल्कुल हल्का हल्का इसको सेक लगाएंगे। बस ये हल्का से ही लगाएंगे, सो दैट के ये हल्का हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा सेक लगाया है, बिकॉज जब बर्गर रेडी हो जाएगा एग वगैरह शामिल करने के बाद, तब इसको अगेन हल्का सा सेक लगाया जाएगा, इसलिए मैंने अभी इसको हल्का हल्का सा सेक लगाया। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ये देखिए एग को मैं बाउल में ब्रेक कर रही हूँ, 2 एग्स मैंने लिए हैं। अंडे में मैं इंग्रेडिएंट शामिल कर रही हूँ। सॉल्ट मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, सॉल्ट आप अपने एग के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिल्ली फ्लेक्स मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, एंड ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्मॉल साइज़ की मैंने अनियन ली थी एक, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने ऑयल डाल लिया, ऑयल मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाला है। अंडे को देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ें डाल के, एंड अब मैं इसे फ्राई करूँगी। इसको मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे, वन साइड हो जाएगा तो फिर से फ्लिप कर देंगे। एग देखिए वन साइड से हो चुका है, एंड अब मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ, सो दैट के ही अदर साइड से भी अच्छे से कुक हो जाएगा। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है, ये बहुत अच्छे से कुक हो गया। अब ये अदर साइड कुक हो जाए तो फिर मैं इसे रिमूव कर दूँगी एंड बर्गर पर बना के आपको बताऊँगी। ये देखिए अदर साइड से भी बहुत अच्छे से ये कुक हो चुका है, एंड मैं इसे यहीं पर फ्राई पैन में ही इसे मैं कटिंग कर लूँगी, सो दैट के बर्गर बनाते हुए कन्वीनियंट रहेगा। इसको 4 पीस में कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखें कट हो चुका है, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। मायोनीज एंड केचप को मिक्स करके स्प्रेड रेडी करेंगे बर्गर के लिए। टू टेबल स्पून मैंने मायोनीज लिया था, एंड 1 टेबल स्पून मैंने टोमेटो केचप लिया था। अब इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। स्प्रेड मैंने रेडी कर लिया है, एंड इसे अब मैं बन के पीस पे स्प्रेड करूंगी। बहुत ही ज़्यादा यम्मी फ्लेवर आता है इसका, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अदर साइड पे भी मैं लगा रही हूँ। इसी तरह वन बाय वन सारे पीसेस पे इसको अच्छे से स्प्रेड किया जाएगा। ये देखिए बन पर स्प्रेड कर लिया है मैंने पेस्ट को, एंड अब इस पर ऑमलेट को ऐड किया जाएगा। इस तरीके से 2 पीस जो हैं ऑमलेट के रखे जाएंगे, एंड इसके ऊपर चीज़ ऐड किया जाएगा। इस तरह से चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, इस पर अनियन टोमेटोज़ कुकम्बर वगैरह कुछ भी मैं ऐड नहीं करती हूँ। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इस तरह सिंपल भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से देखें एक रेडी हो चुका है,
अंडे वाला बर्गर एंड दूसरा मैं रेडी कर रही हूँ। देखिए पैन में मैंने हल्का सा ऑयल शामिल किया है एंड बर्गर मैंने रेडी कर लिए हैं। इन्हें हल्का सा सेक लगाया जाएगा सो दैट कि ये क्रिस्पी भी हो जाए एंड चीज़ जो इसमें ऐड किया गया है वो भी मेल्ट हो जाए अच्छे से। बिल्कुल हल्का हल्का इसको सेका जाएगा। वन साइड देखिए हो चुका है, मैं अदर साइड को फ्लिप कर रही हूँ सो दैट इसके अदर साइड भी कुक हो जाए। देखें कितना अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी सेक लगाया है मैंने इसको। हल्का हल्का सेक लगाना है, बहुत ही यमी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंड क्विकली रेडी भी हो जाते हैं। अब मैं अदर साइड हो जाता है तो फिर से डिश आउट करके आपको बताती हूँ। ये थी हमारी आज की रेसिपी अंडे का बर्गर जो कि रेडी हो चुका है, मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया है। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है एंड बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं ये बर्गर, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।